चांदी के गणेश जी की पूजा समृद्धि प्राप्त करने के लिए की जाए। चांदी के गणेश जी अगर बनवाएं, और हाँ याद रखें हो सके तो तीन अंगुल के चांदी के गणेश जी, तीन अंगुल जी। कहते हैं तीन तिनकों को मिलाकर के भगवान त्रिभुवनपति त्रिभुवनेश्वर भूत भावन भोले बाबा ने गणेश जी को प्रकट किया। इसलिए तीन अंगुल के गणेश जी के रखने का विधान बहुत जगहों पर हमने अपने गुरु मुख से सुना है। तो अगर तीन अंगुल के चांदी के गणेश जी बनवा करके उनका पूजन करते हैं तो कैसी भी दरिद्रता हो, दरिद्रता का विनाश होता है, समृद्धि बढ़ती है, और घर में जो ऐश्वर्यवान लोग हैं उनका ऐश्वर्य अनंत गुना बढ़ जाता है। और गणपति महोत्सव जो चलता है उसमें प्रतिदिन अगर चांदी के गणेश जी रख करके, या फिर यथाशक्ति, जरूरी नहीं तीन अंगुल, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो हम तो कहते हैं कि 13 अंगुल 23 अंगुल 93 अंगुल बढ़ाते जाओ, जितनी क्षमता उतनी क्षमता के बढ़ाओ, फिर उनका अभिषेक करो और उनको घर में स्थापित करो। उन्हें किसी को दान में देने की आवश्यकता नहीं है, घर में उनको स्थापित करो, अभिषेक करके पूजन करो और दूबा को प्रतिदिन उनके चरणों में चढ़ाओ। ऐसा करने से समृद्धता प्राप्त होती है। हमने जो अनुष्ठान किया था दादा गुरु जी के समय, वो अन्नपूर्णा भंडारा को चलवाने के लिए कुछ कृपा पाने को लिए किया था, लेकिन अनुष्ठान तो किया था हनुमान जी का, पर गणेश जी उसमें जरूरी रहे। तो आज भी हमारे वो तीन अंगुल के चांदी के गणेश जी जैसे तैसे करके ले पाए थे, बड़ी मुश्किल से जोड़ तंगोड़ कर। उसमें भी जो सोनी जी जो ज्वेलर्स थे उसके हमने कुछ रुपया खा लिए थे, दिए ही नहीं थे, अब जाके चुकाए हैं कुछ दिन पहले। जो है साफ कहना खुश रहना मुंह पर बता दिया है हमने। तो चांदी के गणेश जी की पूजा करने से ये लाभ मिलता है। मिट्टी के गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं, कोई मिट्टी के गणेश जी की पूजा करने से भी अनंत लाभ। हमें किसी भी रूप में मानना है, चाहे वो कैसे भी गणेश जी हो। हमसे कोई पूछे कि आपकी बुद्धि में, आपकी दृष्टि में गणेश कौन है, हमारी दृष्टि में जो मानव सेवा को, राष्ट्रभक्ति को महत्वता प्रथमता दे रहा वही गणेश है। क्या बात है, जो मनुष्यता को प्रधानता दे वही गणेश है।